क्या कर रहा है? सो रहा है, सो रहा है। सब सपना देख रहा, मैं बोल रहा हूं ये पैसा बना रहा, ये क्या कर रहा है? पैसा पैसा क्यों पैसा बना रहा है? बिकॉज दी एकदम मेंबर है। नहीं गिरा। वो मैनेजर बोला, अच्छा आप तो पूरा ऑफिस जा रहे थे,
कोई नेगेटिव बात कर रहा है वो मुझे पता नहीं था सर, क्योंकि मैं क्लास में फोकस था। कोई आपका पाउंड खींच रहा था मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं फोकस क्लास में था। कोई बेकार बात आपको, कोई आप जो नेगेटिव सोच रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था हमारे ऑफिस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा कंपनी में, मुझे पता नहीं था सर, क्योंकि मैं क्लास में फोकस था। समझ में आ रहा है? अगर हम फोकस रहेंगे तो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो अच्छा है अच्छा नहीं है, वो शादीशुदा है डाइवोर्स हो गया है, तो ही मतलब नहीं, क्योंकि हम फोकस है। मेरा मकसद यही है, मैं और मेरा सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट करना है मेरे लिए। मेरा अपलाइन क्या करता है, मेरा उसका अपलाइन क्या करता है, मेरा डाउनलाइन क्या बोलता है, ये मानना नहीं है। मेरा फोकस यही, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए सिस्टम। मेरा फोकस यही है, चार साल का बाद मैं डीएक्शन छोड़कर चला भी जाऊंगा तो मेरा इनकम या फैमिली के लिए आना है, ये है मेरा फोकस। इसीलिए ऐसे डीएक्शन को बनाना है, ऐसे सोचकर डीएक्शन को बनाना है, पांच साल का बाद मैं डीएक्शन से रिटायरमेंट ले लूंगा। पांच साल से ज्यादा अगर कोई डीएक्शन कर रहा है, रिटायरमेंट कहने की लायक नहीं है, तो वो डीएक्शन में गलत काम कर रहा है, समझो। उसका फोकस नहीं था, उसका फोकस दूसरा कहीं था, उसका फोकस सिस्टम बिल्ड करने में नहीं था, उसका दिमाग यहां वहां जा रहा था। सो नाउ व्हाट वी शुड डू इज यू फोकस ऑन गेटिंग दिस रियल फ्रीडम। ये जो रियल फ्रीडम है, दिस ओनली विल गिव यू सिक्योर योर जनरेशन। आपका जनरेशन को एक सिक्योरिटी डीएक्शन तब देगा व्हेन यू क्रिएट दिस सिस्टम। जब हम ये सिस्टम क्रिएट करेंगे, सो वी शुड पुट डीएक्शन एक्टिविटीज इनटू द सिस्टम। अगर ये सिस्टम हमको क्रिएट करना है, इसका नंबर वन फैक्टर है डुप्लीकेशन। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका टीम में, आप सोचो। मेरा टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है? आप क्या डुप्लीकेट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी, यू आर द सीईओ ऑफ योर कंपनी। आपका मेंबरशिप का सीईओ कौन है? आप खुद हो, डॉक्टर लिम नहीं। आपका मेंबरशिप का ओनर आप खुद है, एंड यू आर द मास्टर कॉपी। आप जो कर रहे हो वो आपका टीम में डुप्लीकेट होगा। रिमेंबर, मैं बोल रहा हूं मेरा टीम को कंज्यूमर लिस्ट बनाने के लिए। आपका टीम कंज्यूमर लिस्ट बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। आपका टीम भी बोलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। आपका टीम भी क्या करेगा, बोलेगा, करेगा नहीं, सही है ना? बोलने का और करने का फर्क है। मैंने कंज्यूमर लिस्ट बनाया और बोला, आपका टीम भी कंज्यूमर लिस्ट बनाएगा और बोलेगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मेरा टीम भी क्या करेगा, सिर्फ बोलेगा, कोई भी कोई काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अंतिम विशुद्धि, मेरा सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे लोगों, आई वॉन्ट माई मेंबर टू बी हैप्पी, ये मेरा पहला मकसद है। मेरा पूरा टीम 3000 के लिए आराम से करना है, ये मैं चाहता हूं। आप चाहते हो? एवरीबॉडी वांट दिस वन। इफ एवरीबॉडी वी वांट दिस वन, मेरे टीम के लिए मैं क्या सिखा रहा हूं? सेकंड क्वेश्चन। मैंने तो नहीं सिखाया, फोन करके उसे डांटा, तो 2000 क्यों हुआ, 1000 कब करेगा? मैं सिर्फ मेरा डाउनलाइन को डांट रहा हूं और रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि 800 हो गया, 200 कर लेना, तू 100 कर ले, मैं 100 दे दूंगा। ऐसे चल रहा है मेरा बिजनेस। सो दिस इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माय टीम। मेरा खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए, नहीं, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए मेरे खिलाड़ी। आई वॉन्ट माई टीम टू बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट माई टीम टू बी इंडिपेंडेंट।
So if you want your team to be independent and if you want your team to be strong, please focus on what you do. मैं एक जराक्स मशीन में एक मास्टर कॉपी रख रहा हूं और वो डुप्लीकेट हो रहा है और डुप्लीकेशन जो आ रहा है उसमें गलत है तो प्रॉब्लम कहां है? मास्टर कॉपी में डुप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी गलत कहां था? मास्टर कॉपी में कोई करेक्शन करना है तो मास्टर कॉपी में करेक्शन करो। मेरा टीम कुछ गलत कर रहा है, दैट मींस मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं खुद करेक्ट करना है। अगर मैं खुद को करेक्ट करूंगा तो डुप्लीकेशन विल टेक इट्स ओन टर्म। So my dear friends, what we need is your proper duplication. अगर proper duplication होना है, you are the master copy of your team. आपका main copy, आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वही आपका team भी करेगा, वही आपका team भी बोलेगा. So this is very very important. So are you building your business or carrying your business? क्या कर रहे हो? हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हम बिजनेस को पाल रहे हैं। यू नो पालना 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 सही है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, पांच साल सात साल हो गया फिर भी डीएमसी को पालते हैं। यू नो क्वालिफिकेशन के लिए उनको पालना पड़ता है, दो साल में भी क्वालिफाई होता है और डायमंड के लिए और दो साल मुझे चाहिए, ये दो साल को पालता है, बिस्किट डाल के नहीं पालता है, क्या डाल के पालता है? बीबी डाल के पालता है। जिसे 3000 दे दो उसे 3000 दे दो तो चार क्वालिफाइड स्टार एजेंट तो मुझे बोनस मिलेगा। तो शुरुआत में इट्स ओके, छह महीना सात महीना में यू आर डूइंग दिस वन इट्स एक्सेप्टेबल, बट दो साल तीन साल चार साल के बाद फिर भी हम एक सिक्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनाते हैं तो हम डीएक्शन में क्या करें? डीएक्शन में हम क्या करें? तो यू टेक योर जीनियोलॉजी, अगर आपका जीनियोलॉजी आप लेकर देखेंगे तो मैक्सिमम आपका पास तीन या चार स्ट्रॉन्ग लाइन ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ये तीन से चार स्ट्रॉन्ग लाइन कब हुआ? कब हुआ? वो हुआ एक चार साल पहले, अभी भी चार लाइन ही स्ट्रॉन्ग। अकबर जमाना में जो चार लाइन हुआ ना वही चार लाइन लेकर मैं जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? व्हाट आई एम डूइंग? मेरा बिजनेस है, वॉल्यूम आ रहा है, मेरी पीपल आर टेलिंग सर मेरा वॉल्यूम अच्छा है बट बोनस नहीं आ रहा। इसका प्रॉब्लम ये भी है आपका बिजनेस, अगर छह एक्टिव लाइन नहीं है आपका सामने, समझो यू आर डूइंग वन ऑफ द इन मार्केटिंग लाइन। मिनिमम यू शुड हैव सिक्स एक्टिव लाइन, छह एक्टिव लाइन होना चाहिए आपके लिए। छह एक्टिव लाइन नहीं है तो क्या करना है? करना पड़ेगा। तो छह एक्टिव लाइन हो रहा है, मैं चार साल तीन साल पांच साल डीएक्सएल में, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या फुटबॉल खेलने के लिए आए? बिजनेस करने के लिए आए? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सर मैंने तो पैसा इतना दिया, मेरा टीम के लिए पैसा इतना दिया, इतना प्रोडक्ट दिया, चार साल में मैंने तो पांच लाख छह लाख खर्च कर दिया, खर्चा किया। चार लाख पांच लाख आपने कहां किया? क्यों किया? चार लाख पांच लाख किया आपका कितना टीम स्ट्रांग है? सर वही चार टीम, अब दो टीम को मैं पाल रहा हूं। So what we are doing? We are doing something really wrong somewhere. What we should focus is, we should focus on six line. अगर मेरा टीम थोड़ा बड़ा हो गया है, डायमंड हो गया है, उसे छोड़ दो, फिर उसका पीछे मत रहो। Make him independent. You go to next team. Make him independent. You go to next team. Make him independent. नया टीम सोचो, नया टीम कैसा ग्रो करना है सोचो। मैं तो अभी डायमंड बन गया हूं, कैसे जाके स्पॉन्सर करूं अच्छा नहीं लगता। फिर भी मार्केटिंग प्लान बताना अच्छा नहीं लगता। तो बोनस कमाना अच्छा लगता है? बोनस गिरता है वो अच्छा लगता है? तो बीवी गिरता है वो अच्छा लगता है? वो अच्छा नहीं लगता है तो नया लोगों से फिर भी शुरू करके बात करना अच्छा लगना चाहिए।
then only you have the 60. जो भी लोग डीएक्सएल शुरू कर रहे हैं, जो नया मेंबर्स है, स्टार एजेंट्स है, एक ही कॉन्सेंट्रेट करो, चेन नया टीम, दिस इज व्हाट वी वांट. सो व्हेन वी डू दिस वन, वी शुड फोकस एंड वी शुड नो वेयर यू आर, वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड व्हाई टू गो. पहले हमको पता होना चाहिए मैं कहां हूं, डीएक्सएल ने मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना चाहिए और मुझे कैसे जाना चाहिए. दिस वन यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट. इफ यू डोंट मेजर योर एफर्ट, यू विल नॉट नो वेदर यू आर एक्शन और इन रॉन्ग डायरेक्शन. फर्स्ट थिंग यू हैव योर गोल, योर गोल विदाउट योर प्लान इज जस्ट अ विश. डीएक्सएल में आपका गोल क्या है? मेरा गोल पैसा कमाना. ये आपका गोल नहीं, ये आपका विश है. विश का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा. ये आपका इच्छा है, गोल नहीं. गोल मीन्स इट शुड बी स्पेसिफिक. नहीं सर, मेरे पास वैसा गोल नहीं है. वैसा गोल नहीं है तो क्या करेंगे? अभी तक गोल नहीं, अभी तक हमको पता नहीं है मैं कहां से कहां जा रहा हूं. And we are doing the action. What we are doing in the action? First thing, if you don't know where you are going, you will not have focus. Focus नहीं रहेगा तो आप काम करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, financial freedom नहीं मिलेगा. तो पहले focus करो कहां जाना है. इससे पहले ये assess करो आप कहां है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड राइट योर गोल. गोल लिखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए गोल लिखने के लिए? पेन और पेपर. क्या चाहिए? पेन और पेपर. हाँ, ये पेन चाहिए. सबका पास है? सबका पास है? सबका पास है तो आपका गोल हो सकता है. तो पहले यू राइट वेयर यू आर. मैं कहा हूं, मेरा मेरा ग्रुप डी कितना है, मेरा एक्टिव लाइफ कितना है. जो भी गंदा भी है तो लिख दो. मेरा ग्रुप पीवी सिर्फ 10,000 है, शर्म आता है, फिर भी लिख दो. मेरा एक्टिव लाइफ सिर्फ 2 ही है, शर्म आता है, फिर भी लिख दो. नो प्रॉब्लम, पहले लिखो. किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा पावर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप देखो. सो फर्स्ट यू राइट डाउन वेयर यू आर, यही है मेरा हकीकत. और मुझे कहां जाना है, व्हाट आई वांट. नहीं, मुझे एटलीस्ट एक 50,000 इनकम चाहिए डीएक्सएल में, या 1,00,000 इनकम चाहिए डीएक्सएल में, या 2,00,000 इनकम चाहिए डीएक्सएल में, तो मैं मेरा गोल फिक्स कर सकता हूं. हाँ, अभी मेरा इनकम 10,000, 15,000 या 50,000, 1,00,000 है तो मेरा इनकम होना चाहिए वो जगह. नाउ यू नो मेरा इनकम ये है, मुझे 1,00,000 की तरफ जाना. नाउ सेकेंड, अगर मैं 1,00,000 इनकम मुझे चाहिए तो मेरा टीम में कितना एक्टिव लोग होना चाहिए वो डिसाइड कर. 1,00,000 इनकम मीन्स आपका कितना ग्रुप ईपीवी चाहिए. 1,00,000 इनकम मीन्स यू नीड योर ग्रुप पीवी ऑफ अराउंड कितना, एक 10,00,000 पीवी. एक 10,00,000 पीवी है तो आपका 1,00,000 आ सकता है, नहीं आ सकता है? आराम से आ सकता है. आराम, मुझे पता है अभी मुझे 1,00,000 इनकम चाहिए, 10,00,000 पीवी चाहिए. अभी मेरा कितना हो रहा है? 40,000, 30,000, जो भी है. यू डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. यू डोंट वरी आपका रियलिटी क्या है. यू फर्स्ट फिक्स मुझे 10,00,000 इनकम चाहिए. अगर 10,00,000 इनकम चाहिए, मेरा टीम में कितना एक्टिव लोग चाहिए डेली. अगर मेरा टीम में 300 पीपल, अगर 3,000 करने वाले हैं तो 10,00,000 मिलेगा, आराम से मिलेगा. तो मुझे पता है अब मुझे 300 लोग चाहिए, मुझे 1,00,000 इनकम चाहिए. ये जाने के लिए मेरा पास, यू टेक योर गोल, 1 साल या 2 साल फिक्स कर. अब मुझे 2 साल, ये 2 साल में 300 लोगों को मेरा टीम में लेके आना है विद 3,000 पर्सनल टीम. गेटिंग माय पॉइंट. अभी आपका पिक्चर क्लियर होगा. ये 300 लोग मैं
इंडिविजुअली नहीं ले आ सकता हूं, ये भी आपको समझना चाहिए। 300 और आप स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड हैव एटलीस्ट 10 लाइन, 10 लाइन होना चाहिए आपका सर। आपका काम सिर्फ ये 10 लोगों के साथ ही है, जो भी आप काम करेंगे सिर्फ आपका 10 लाइन किसका साथ ही काम करना है, 10 लोगों को चुनो। 10 लोग नहीं है तो फिर स्पॉन्सर करो। यू नीड 10 पीपल। यू बी दिस 10 पीपल आर देयर, यू वर्क ऑन दिस 10 पीपल। ये 10 पीपल का एक ही टारगेट है, और ये 10 लोगों के नीचे मिनिमम 30 एक्टिव लोग होना चाहिए। कितना एक्टिव लोग? 30 एक्टिव लोग। अभी आपका टेंशन थोड़ा कम होगा, 300 का अभी कितना आ गया? 30 आ गया। अभी 30 आ गया, एक बंदा का नीचे 30 ही चाहिए, तो मैं सिर्फ ये नंबर को मोल्ड करूं, इसे टारगेट दूं, एक साल में तेरा टीम में 30 लोग एक्टिव होना चाहिए। ऐसा मैं एक 6 या 8 या 10 लोगों को मेंटेन करूं, तो एक साल में 300 लोग मेरा टीम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। जब आ सकते हैं तब आपको पता होगा आपको क्या करना, मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना चाहिए। अदरवाइज यू विल बी वेरी बिजी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप काम नहीं करेंगे, आप काम करते ही रहेंगे बट यू विल बी वर्किंग ऑन रॉन्ग एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल है, 80% आपका जो रिजल्ट आ रहा है, 80% जो पीवी आ रहा है, 80% आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, वो आएगा सिर्फ 20% लोगों से। कितने लोगों से? ओनली 20% पीपल विल गिव 80% रिजल्ट। ये 20% कौन है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप पेन एंड पेपर में होना चाहिए। अगर पेन एंड पेपर में नहीं है, आप यू विल बी वेस्टिंग टाइम इन 80% पीपल हु विल गिव ओनली 20% रिजल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? आप बिजी रहेंगे पर हम 20% में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम वो 80% में कॉन्सेंट्रेट कर हमारा टाइम बर्बाद करेंगे, जो 80% में ये सिर्फ 20% रिजल्ट लेकर आएगा। तो वेन यू लीव दिस 80% यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 20%, ही विल ब्रिंग 80% ऑफ द बिजनेस इन योर टीम। सो आई गेस यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 80% 20% पीपल हु ब्रिंग 80% ऑफ द रिजल्ट। बिलीव इन योर गोल, रिमाइंड योर माइंड, डोंट वरी अबाउट द शॉर्ट टर्म रिजल्ट। आवर गोल इज इन 5 years, टेक द गोल फॉर 5 years। हर एक बंदा को 5 साल का गोल लेना है, एक साल 3 गोल लेना है, एक है 1 year का, दिस वी कॉल शॉर्ट टर्म गोल, सेकेंड है 3 साल का, वी कॉल मिड टर्म गोल, और एक है 5 साल का लॉन्ग टर्म गोल। दिस गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन यू हैव दिस गोल देन यू हैव योर प्लान। अगर प्लान है प्लान काम करेगा, अगर प्लान नहीं काम करता है, अगर आप एक प्लान बनाते हैं तो मेरा गोल के लिए ये रास्ता भी मुझे जाना चाहिए, प्लान ये काम नहीं करता है तो डोंट वरी, क्योंकि ऑल ऑफ अस में कितना लेटर्स है? 26 लेटर्स है। ए काम नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो सी करेगा। तो यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स इन योर हैंड, यू कैन चेंज योर प्लान, बट फोकस ऑन व्हाट यू डू। टू डू दिस वन माय डियर फ्रेंड, यू बिल्ड योर बिजनेस एंड बिल्ड योर टीम। टीम को बिल्ड करो। मेनी पीपल सर, मेरा टीम में वो जोश नहीं मिलता है, मेरा टीम में बात करता हूं, मेरा टीम मरा मरा हुआ है, मैं थोड़ा एनर्जी का साथ जाके टीम से बात कर रहा हूं, वो इतना नेगेटिव बोलता है, मैं भी कुछ होकर फिर वापस जा रहा हूं। ऐसा कभी कभी होता है, कुछ लोगों का टीम भी ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, डिसअपॉइंटमेंट। आपका टीम डिसअपॉइंटेड है। आपका टीम क्यों डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि आपका टीम को वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट वो सोचता था।
वो रिजल्ट नहीं मिला तो रिजल्ट वो सोचता था, वो रिजल्ट उसका दिमाग में किसने डाला? मैंने डाला। मैं जो रिजल्ट उसका दिमाग में एक पिक्चर बनाकर मेरा टीम को दिखा रहा हूं, तू एक महीने में यह होगा, तीन महीने में यह होगा, चार महीने में यह होगा और आठ महीने में, दस महीने में मलेशिया जाएगा, ये पिक्चर मैंने मेरा टीम का अंदर डाला। वो टीम काम करने शुरू किया पर वो रिजल्ट नहीं दिख रहा, नहीं दिखने में ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। अगर डिसअपॉइंटमेंट मेरा टीम का अगर वो गोल नहीं रहेगा देन वी विल टॉक अबाउट कंप्लेन, वो मैंने मांगा वो सही नहीं है, वो प्रोडक्ट ले नहीं ले रहा है, वो प्रोडक्ट काम महंगा पड़ रहा है, वो नहीं जम रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं खा रहा है, क्योंकि फोकस नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है टीम में। सो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज आई शेयर विद यू अर्लियर ऑल्सो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कैसे सोचा था और कैसे मिला, सही है ना? ऐसा सोचकर गया, मेरा मम्मी ने बोला तुझे शादी कर रहा हूं, ऐसा पिक्चर मुझे दिखाया, ऐसा सोचकर मैं गया, अगर मुझे ऐसा मिला तो मैं भी खुश होगा या डिसअपॉइंटमेंट होगा? सही, बिजनेस यही है। अगर इसे आप समझेंगे आपका टीम का साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा, आपका टीम का साइकोलॉजी इसका अंदर ही है। दिस हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ एक बार हनीमून गए, हनीमून जाने के बाद दे वर वेरी हैप्पी, वो गर्ल भी वेरी हैप्पी, द बॉय इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। वो गर्ल ने मम्मी को फोन कर बोला, मम्मी मम्मी आई एम वेरी हैप्पी, जो मेरा पति है ना वो हीरो, सो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी लकी, थैंक यू मम्मी, ऐसा है बॉय मेरे लिए आपने चूज किया। तो मम्मी ऑल्सो हैप्पी, बेटी ऑल्सो हैप्पी एंड हस्बैंड ऑल्सो हैप्पी, एवरीबडी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी माहौल चल रहा है। तो ये महीने का बाद फिर भी ये बेटी माँ को फोन करते हैं, मम्मी मम्मी, माँ बोलती क्या हुआ बेटा, मम्मी मैं क्या बोला, मेरा लाइफ बर्बाद हो गई। अरे एक हफ्ते पहले तू बोल रही थी मेरा लाइफ ऐसा है, लाइफ वैसा है, क्यों बर्बाद है, क्या हुआ, मेरा बर्बाद की कारण मेरा हस्बैंड है, तेरा हस्बैंड वो बहुत गंदा है, वो बहुत गंदा है, तू बोल रही थी ना वो हीरो है, अब क्या हुआ, भगवान है, अब गंदा कैसे पड़ा। मम्मी वो मुझे गाले है तेरा, वो मुझे जो इंग्लिश में चार लेटर पढ़ रहे ना वो बोल के गाली दे रहा है, इंग्लिश में चार लेटर बोल बोल के गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहा है, मम्मी मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म होता है ये बात बोलने में, ये बात मैंने मेरे लाइफ में नहीं सुना था, ऐसी बात मेरे से बोला गया। अरे बोल रहा है क्या बोला उसने, मम्मी मैं इसे चार लेटर बोल बोल रहा है, वर्क डब्ल्यू ओ आर के, काम करने के लिए बोल रहा है, वॉश कपड़े धोने के लिए बोल रहा है, और इसे गंदा होने के बाद बोला चार लेटर सी ओ वो के कुक। ये जब हनीमून में था ऐसा बात मेरे से नहीं बोला, हनीमून में बोला तू मेरी रानी है, मैं तेरा पैर मेरा हाथ पर रखकर घूमूंगा, ये हनीमून में बात ऐसी गंदे गंदे बात बोल रहा है, मम्मी मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, खाना बनाओ। वो भी थोड़ा हजम कर लूंगा, फिर बोल रहा है उसका महिला कपड़ा धोना है। मम्मी ने बोला बेटी मेरे साथ भी ऐसी हो, तेरा बाप भी पहले ऐसे ही था, हनीमून में ऐसा ऐसा ही बोला, हनीमून का बात ऐसा हो, मैं एडजस्ट कर ली, तू भी एडजस्ट कर ले, यही लाइफ है। सिर्फ ये वॉक में नहीं है, ये दिस इज टोटली एप्लीकेबल टू अवर टीम। जब नया पेपर आ रहे हैं ना, नया पेपर काम नहीं, तो जोश रहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं सात डायमंड ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, मेरा अपलाइन तो भगवान है, मेरा अपलाइन गुरु है, जब मोटिवेशन देता है चप्पल पाड़ के खुलने का मन करता है, ऐसा मोटिवेशन दे रहा है मेरा अपलाइन।
वो गाली देता है, वो लिखता है गाली देता है, क्या गाली देता है, वो सात लेटर का वर्ड गाली देता है, ये सात वर्ड में क्या गाली देता है, वो मुझे सेलिंग करने के लिए बोल रहा है, स्पॉन्सरिंग करने के लिए बोल रहा है, सर्विसिंग करने के लिए बोल रहा है, सेमिनार अटेंड करने के लिए बोल रहा है, सब सात लेटर की वर्ड है। बिठाओ, बिठाकर उनको समझाओ,
डीएक्शन है, डीएक्शन में इनकम आएगा, कैसे आएगा, 1000 पीवी करने में इतना भी आएगा, तो 3000 करना है, 10000 करना है, so you should keep on working, then only the income will come. Very good. So, my dear friends, please work on this expectation versus reality. जब मलेशिया में नया नया डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जमाना है, उनसे पहले ही बोल दो. कुछ कुछ लोग है, they are only consumer हिसाब से आपका टीम में जमेंगे. Don't expect more from consumer. कंस्यूमर जब उसका रिजल्ट आ जाएगा वो बिजनेस करना शुरू कर सकता है, पर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस लोगों को लेकर आओ. सो यू आइडेंटिफाई मेरा टीम में कौन कौन है. ये मेंबर है बट ये सिर्फ कंस्यूम करने वाला है, उसे छोड़ दो, वो कंस्यूमर ही है. उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, उससे सेमिनार आने का एक्सपेक्ट मत करो, उससे पीवी बनाने का एक्सपेक्ट मत करो. आपको चाहिए बिजनेस पीपल, आप जैसे बिजनेस लोगों को यहां पर लेकर आना, उनको समझाना उनका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा. एंड डू काउंसलिंग विथ योर टीम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी अप्लाई आज स्ट्रांग नहीं है, इसका कारण है वो टीम का साथ काउंसलिंग नहीं करते. काउंसलिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टीम, मेरा एक मेंबर बोल रहा है, सर मेरा मैं बिजनेस कर रहा हूं 2 साल से या 3 साल से कर रहा हूं, 1 साल से कर रहा हूं, बट मेरा पीवी उतना नहीं हो रहा है, क्या करूं? अपने क्या बोलेगा? मेरा भी यही प्रॉब्लम है. सो इफ यू आर गुड अप्लाइंट यू सिट इन दिस टेबल. अच्छा बेटे पीवी नहीं हो रहा है, कब से शुरू किया? मैं 2013 से शुरू किया. शुरू किया, अच्छा क्या क्या किया तुम? कंस्यूमर लिस्ट बनाया? नहीं बनाया, तो कैसा होगा? पहले कंस्यूमर लिस्ट बना. नेम लिस्ट है स्पॉन्सरिंग करने के लिए? नेम लिस्ट नहीं है सर, नेम लिस्ट बना. तो आपका वो जो बोल रहा है उसका पीछे जरूर कारण होगा, उसका बिजनेस नहीं बन रहा है जरूर उसका पीछे कारण होगा, बट वो क्या कारण दिखाएगा? वो ये कारण दिखाएगा, सर प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है, सर प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में पीवी कम है, सर ये मलेशिया कॉन्टेस्ट में अगर ऐसा होता तो अच्छा होता. तो हम भी उसका लाइन में चला जाएगा. हाँ सही है, सही बोल रहा है, ये सही बोल, तू सही है. तो अभी अपलाइन डाउनलाइन को काउंसलिंग नहीं कर रहा है, डाउनलाइन अपलाइन को कर रहा है. समझ रहे मेरी बात? तो पहले जब भी डाउनलाइन कोई भी प्रॉब्लम बोल रहा है पहले बिटा उसे, बिटा का मिनिमम जो काम करना है डीएक्शन में वो काम किया या नहीं किया उसे बोलो. तूने सेमिनार लेना शुरू किया? नहीं किया. कंज्यूमर लिस्ट बनाया? नहीं बनाया. नेम लिस्ट है? नहीं है. गोल सेटिंग है? नहीं है. तेरा पास डीएक्शन का विजिटिंग कार्ड है? नहीं है. तेरा घर में प्रोडक्ट रखा? नहीं रखा. बिजनेस होगा या नहीं होगा तो उसे पता चलेगा उसका अंदर कमी क्या है, तो उसका कमी को हम बाहर निकाल कर ले आएंगे, वो सुधरने का एक मौका हम मेरा डाउनलाइन को देते. सही है ना? सो नाउ वी शुड आइडेंटिफाई उसका अंदर जो जो कमी है उसे बाहर लेकर निकाल कर. कभी कभी हमारा अंदर भी कमी रहता है पर हमको पता नहीं होता है. व्हेन वी डू काउंसलिंग हमारा अंदर जो कमी है हमारा अपलाइन हमारे में बोल सकता है. And we should accept it.